हेलो किडोज, आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश ओलंपियाड की ये वर्कशीट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया है वो है मैग्नेनिमस, और मैग्नेनिमस का मतलब होता है काइंड, जेनरस। और ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से करेक्ट स्पेलिंग है MAG, मैग, नैनि NANI, MOUS, विच इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, और यहाँ पे हमें वर्ड दिया है मैनिकिन। मैनिकिन क्या होता है, जब आप कभी मॉल या शोरूम्स में जाते हो वहां पे देखते हो ना, एक डमी खड़ा रहता है, ह्यूमन का डमी जो कपड़े पहन के, उसको बोलते हैं मैनिकिन। डमी बोल सकते हैं, पुतला बोल सकते हैं। और इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग है MANNEQUIN, मैनिकिन, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेजरिज्म, और प्लेजरिज्म का मतलब होता है जब हम किसी और के आइडियाज को कॉपी करते हैं। तो इन चारों वर्ड्स में से इसकी करेक्ट स्पेलिंग है PLAG, प्लेज, IARISM, प्लेजरिज्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही ईजी है ये, डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये भी इजी है, नेग्लिजेंस, और इसका मतलब होता है लापरवाही, नेग्लिजेंस। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बताना है सोफेस्टिकेटेड की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अच्छा, सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है जिसको किसी भी एरिया या फील्ड के बारे में, टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन चारों वर्ड में से सोफेस्टिकेटेड की स्पेलिंग है SOPHISTICATED, सोफेस्टिकेटेड, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड दिया है कोहेरेंट, और कोहेरेंट का मतलब होता है कोई चीज जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, लॉजिकल हो। तो यहां पर कोहेरेंट की करेक्ट स्पेलिंग है COHERENT, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड हमें दिया है कॉस्मोपॉलिटियन, और कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है जिसने वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स में एक्सपीरियंस लिया हो। तो यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटियन की करेक्ट स्पेलिंग है COSMO, कॉस्मोपॉलिटियन, POLITAN, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बताना है हिपोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। पहले हिपोक्रेसी का मतलब होता है मेरे लिए तो कोई और रूल और आपके लिए कोई और रूल, मतलब सब बराबर नहीं है, वो हिपोक्रेटिक हो गया। तो यहाँ पर हिपोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग है HYPOCRISY, ऑप्शन बी, हिपोक्रेसी। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमको वर्ड दिया है रेजोनेंस। रेजोनेंस हम यूज करते हैं साउंड के लिए, जब एक ऑब्जेक्ट का साउंड किसी और सब्जेक्ट से मिलता जुलता लगता है ना, वहां हम यूज करते हैं रेजोनेंस। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है RESONANCE, ऑप्शन डी इज द आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब। बाय बाय।